हेलो दोस्तों, रीडिंग टू चिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं रिमेडी को लेकर आई हूँ वो रिमेडी आपके चेहरे से दाग धब्बों को, पिंपल्स को, झाइयों को और टैन के निशान को रिमूव करेगा ही, साथ ही आपके चेहरे से कालेपन को और एक्ने के निशान को ही मिटाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रिमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले शुगर को ले लेना है और उसे दरदरा पीस लेना है। मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। दोस्तों, हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, इसे दरदरा रखना है। तो हम एक चम्मच शुगर को ऐड कर लेते हैं। दोस्तों, शुगर हमारे रेड स्किन को रिमूव करता है, हमारे स्किन की डीपली सफाई करता है और स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। शुगर से हमारे स्किन पर मसाज करने से हमारे स्किन का कालापन दूर होता है और हमारे स्किन का नेचुरल कलर वापस आता है। दोस्तों, अब हमें इसमें दूसरी चीज हल्दी पाउडर को ऐड करना है। दोस्तों, हमें किचन वाला हल्दी को नहीं लेना है। दोस्तों, हमें कस्तूरी हल्दी को लेना है जो आपको मार्केट में मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं हो तो आप किचन वाला हल्दी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी हमारे होठों से कालेपन को दूर करता है, हमारे पिगमेंटेड होठों को लाइटन करता है और साथ ही हल्दी हमारे लिप्स पर चमक लाता है। शादी विवाह में दोस्तों हम हल्दी का उपटन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है वो हमारे स्किन के दाग धब्बों को रिमूव करके हमारे स्किन को चमकदार बनाती है। हल्दी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं दोस्तों, जो हमारे स्किन से डेड सेल को रिमूव करते हैं और हमारे स्किन के नेचुरल कलर को वापस लाते हैं। तो हम यहाँ आधी छोटी चम्मच हल्दी को ऐड कर लेते हैं। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें लास्ट में मलाई को ऐड करेंगे। दोस्तों, ये वही मलाई है दोस्तों जो दूध के ऊपर जमता है, उसी मलाई को मैंने ले लिया है। दोस्तों, हम यहाँ आधी छोटी चम्मच मलाई को ले लेते हैं। दोस्तों, अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है दोस्तों। अब हमारा रिमेडी बनकर तैयार हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि हमें इसे लगाना किस तरीके से है। आप इस रिमेडी को नहाने के 1 घंटे पहले अपने चेहरे पर अच्छी तरह से लगाइए। बहुत ही अच्छी और बहुत ही नेचुरल रिमेडी है। इसके इस्तेमाल से आपके स्किन की सभी दाग धब्बे रिमूव हो जाएंगे, आपके स्किन का रंग निखरेगा, आपकी स्किन भी सॉफ्ट हो जाएगी और साथ ही आपकी स्किन गोरी और चमकदार दिखेगी। जब ये पूरी अच्छी तरह से लग जाए तो आप इस तरह से 5 मिनट तक मसाज कीजिए। दोस्तों, अगर आप इस पैक को वीक में 2 से 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन लाइटन तो होगी ही, साथ ही आपकी स्किन से सभी दाग धब्बे रिमूव होंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी और साथ ही आपके स्किन से डलनेस और डार्कनेस रिमूव होंगे। इस तरह से मसाज करने के बाद आप इसे 20 से 25 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दीजिए और जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो आप अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लीजिए। देखिए दोस्तों, एक बार में स्किन कितना क्लीन और ब्राइट दिख रहा है। अगर आप भी इस रिमेडी को इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन से भी टैन के निशान रिमूव हो जाएंगे और आपका स्किन एकदम क्लीन एंड ब्राइट दिखने लगेगा। आप इसका इस्तेमाल करें और मेरे साथ इसका फीडबैक जरूर शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल रेडियंट रुचिका को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।